वेरी फाइन, थैंक यू वेरी मच। ओह थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तेरी आंखों में वो जादू है। यस, तेरी आंखों में जादू देख के लग रहा है कि वो जादू आपके अंदर है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जादू क्रिएट होगा, जो निर्देशक है अजय कुमार जी और जो प्रोड्यूसर है जितेश दुबे जी, तो वो जो जादू होगा वो बहुत अच्छा होगा। और इसमें जो म्यूज़िक दिया है एस कुमार जी ने, इन सब का जो जादू है वो चल चल के चलेगा। आई रियली होप दैट दिस फिल्म डज एक्सट्रीमली वेल। सुना जी, पुरानी बातें कर रवि किशन की, तो पिक्चर का नाम था हमरा से बियाह करवाओ, और काफ़ी हल्का मजा था आपको उस टाइम पर बिहार में हर सिनेमा हॉल में जाके अपने दिया था। क्या कुछ पुरानी यादें हैं? सब यादें बहुत अच्छी यादें हैं, एंड द फिल्म डिड वेरी वेल। और एक तो ससुरा ने भी बहुत अच्छा किया था, और हमरा से ब्याह करवाने भी बहुत अच्छा किया था। शायद उसका गाना वो था ना, कौन सा, सैया जी? नहीं नहीं, दूसरा कौन सा गाता उसका? आप उस बारे में बात क्यों कर रहे हैं, मैं समझी नहीं। पिक्चर का नाम था हमरा से ब्याह करवाने। अच्छा अच्छा, हाँ उसमें आइटम सॉन्ग था दैया रे दैया खटमल, चुलिया में चले सुरूर सुरूर। थिएटर में जाके आपने परफॉर्म किया था? हाँ, कुछ थिएटर्स में जाके परफॉर्म किया था, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और कुछ ऐसी जगह थी, जैसे कि बिहार में कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर लिटरली लोगों ने हमारे ऊपर फूल बरसाए थे। हालांकि मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि फूल हमारे ऊपर बरसाए जाएँ, क्योंकि फूलों में भी छोटे मोटे कीड़े मकौड़े होते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उन्हें बरसाए, वो उनकी इच्छा थी। इट वॉज ब्यूटिफुल। हाँ, क्या क्या हुआ था मेरे साथ? कौन कौन थे वो लोग? क्या 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 हुआ था मेरे साथ? कौन कौन थे वो लोग? बोलूँ रात तीन जनवरी को हमरा से ब्याह करवाओ। क्या क्या हुआ था मेरे साथ? होर्डिंग का स्लोगन था। हाँ, और अच्छा पोस्टर छपा। ओके, हमरा से ब्याह करवाओ। और डायरेक्टर सीरियस अभी थे। हाँ, बहुत अच्छा था। क्या मतलब, आप क्या जानते हैं? बिहार के लोग बारे कुछ कहना चाहते हैं, कैसा लगा आपको? बिहार के लोग मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यूपी के लोग भी बहुत अच्छे हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार भरा है। और मैं लिटरली यही चाहती हूँ कि बिहार के लोग भी बहुत ज़्यादा तरक्की करें, और मतलब थोड़ा सा और बड़ा सोचें, थोड़ा वाइड सोचें, क्योंकि वहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है, पर पर्सन इनकम, जो एवरेज इनकम जिसे बोला जाता है, दैट इज़ हार्डली 30-31,000 रुपीज़, विच इज़ वेरी सैड। वो लोग हमको सपोर्ट करते हैं, हमारी मूवीज़ को देखते हैं, और हमारी मूवीज़ को देख के यू नो हमको आगे बढ़ाते हैं। तो मेरी दिल से ये चाहत है कि वो लोग बहुत आगे बढ़ें, और दे शुड डू समथिंग ग्रेट इन देयर लाइफ। आज की यूनिट बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। रानी है, गुंजन है, और कौन, विजय आनंद है, और आप सब लोग हैं। सो इट्स ब्यूटिफुल, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आजकल सेवा का काम कर रही हूँ। मैं कुछ सालों से एक अपना एनजीओ चला रही हूँ, जिस एनजीओ का नाम है पीस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। और दो शेल्टर्स हैं हमारे, एक पक्षियों का शेल्टर है जहाँ पर हम घायल पक्षियों की सेवा करते हैं, और एक दूसरा शेल्टर है बिल्लियों का, एक छोटा सा बंगलो है जिसमें हम जो इंजर्ड कैट्स होती हैं उनकी हम सेवा करते हैं। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।